अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साइमा फानी, उम्मीद खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। आइए डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर एक नजर। गाजा में इक़वामी मुदाहिदा के 88 अमले की हलाकत, वाहिद जंग में सबसे ज्यादा हलाकते। इधर राजौरी जिला में आज एक सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत हो गयी जबकि कई दीगर जख्मी हुए। उधर बांडीपुरा में मंशियात फरोश का बैंक खाता मुंजमित, पुलिस। साथ ही बारामूला में 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार, नशावर मवाद बरामद, पुलिस। वहीं दिल्ली में आलूदगी की सतह संगीन, चौथे दिन भी हवा का मयार बदतर। उधर हिजबुल तहरीर मॉड्यूल केस में सारा मुलजिमान के खिलाफ चालान पेश, NIA। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने एक बयान में कहा कि अगली हुकूमत हमारी होगी, अवाम तमाम रुकावटें तोड़कर लीडरान का इंतखाब करेगी। यहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबरा वकार रसूल वानी ने कहा कि मरकज और यूपी इंतजामिया की बीजेपी हुकूमत अपने ही मुलाजमीन के पुरमन एहतजाज से खौफजदा है। उधर गांधरबल पापुर बिमना में आग की जद्दी, दारुल उलूम पीजी स्कूल और पीडीबी दफ्तर को पहुंचा नुकसान। अब खबर मौसम के हवाले से, जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पर आलोचने का इम्कान है मौसमिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल से होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।